Hey guys, welcome back to my channel. So first of all, जिन्होंने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं, फटाक से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा। मीहू की खुशबू से वो सब लोग बेकाबू होकर उसके पीछे ही भागने लग जाते हैं। तांत्रिक भी उस मोटू के ऊपर पानी फेंकने लग जाता है, लेकिन इस बार उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि राजकुमार ने उसे एक ऐसी रिंग दी हुई होती है जिसकी वजह से उसके ऊपर पानी का तो कोई असर ही नहीं होगा। जिसके बाद वो उन सबको बांध कर मीहू के पीछे जाने लग जाता है। सबको अच्छे से धोने के बाद वो मीहू को लेकर जा रहा होता है। राजकुमार को बस बुलाने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर अपना हैंडसम हीरो फैंग पहुँच जाता है, जो कि सीधा मोटू के दिल पर गोली मारता है और वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। लेकिन अचानक से उसे होश आ जाता है। मीहू भी फैंग के साथ में भाग रही होती है, बट मोटू उन दोनों को पकड़ लेता है और फैंग को खूब मार रहा होता है। जिसके बाद मौके का फायदा उठाते ही मीहू तांत्रिक की बोतल का जादुई पानी मोटू की अंगूठी पर डाल देती है, जिससे कि उसका जादू भी बेअसर हो जाता है और वो दोबारा से एक छोटा सा क्यूट सा हाथी बनकर वहाँ से भाग जाता है। साथ ही यहाँ पर एक और बात रिवील होती है कि जिस भी लड़के के साथ में मीहू की फर्स्ट किस होगी, वही उसका डिवाइन पार्टनर और उसका प्रोटेक्टर बन जाएगा, जो कि उसके हर सुख दुख में साथ होगा और उसकी हर प्रॉब्लम में उसकी रक्षा करेगा। और जैसा कि हमने देखा था कि फर्स्ट किस तो उसकी फैंग के साथ में हुई थी, जिसका साफ मतलब यही है कि वही उसका प्रोटेक्टर होगा, लेकिन फैंग तो ये बात जानता ही नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो मीहू को एक बड़े से हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गए हुए होते हैं, जहाँ कुछ खास तो नहीं होता, लेकिन फैंग की एक दोस्त जो कि एक डॉक्टर है और उसका नाम लिन है, वो उसे मीहू के फेरामोन्स को कुछ देर तक रोकने के लिए एक मेडिसिन देती है, जिससे कि मीहू बेहोश हो जाती है। मीहू के फेरामोन्स की खुशबू भी रुक गई थी। रैंग और उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ से चले जाती हैं। जैसे ही लिन फैंग से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है, फैंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ से जाकर वो मीहू के पास बैठकर अपनी एक्स को सोचते हुए रोने लग जाता है, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वो उसे धोखा देकर किसी और के साथ ही चली गई थी। जहाँ उसे अचानक से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की कॉल आती है। जैसे ही वो वहाँ उसके घर पर पहुँचता है, उसे खून की हालत में लथपथ देखता है, फटाक से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसे बोलता है कि अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड से इतना ही ज्यादा परेशान हो तो फिर उसे छोड़ क्यों नहीं देती। लेकिन वो बोलती है कि मैं तो उसी से ही शादी करना चाहती हूँ, जिससे कि फैंग को बहुत गुस्सा आता है। बाहर आकर उसकी फोटो देखते हुए काफी रोने लग जाता है, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार जो करता था। जहाँ अचानक से मीहू पहुँच जाती है, उसके साथ में खेलने लग जाती है और उससे उसका मूड भी काफी ज्यादा फ्रेश हो गया था और वो भी हंस खेलने लग जाता है। दोनों साथ में स्टार्स देखते हुए मस्ती करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन फैंग के मना करने के बावजूद भी मीहू की सच्चाई एक डॉक्टर को बता देती है, जिससे कि वो भी उस तांत्रिक के पास जाकर उसके बारे में पूछने लग जाता है और फिर तांत्रिक भी डरते डरते उसे मीहू की सच्चाई बता देता है। फैंग भी मीहू को लिन के पास ये बोलकर छोड़कर जाने लग जाता है कि लिन तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रख लेगी और मुझे अभी थोड़ा काम है। मीहू उसे रोक रही होती है, लेकिन वो तो रुकता ही नहीं है, जिसके चाहते ही लिन को भी एक अच्छा खासा मौका मिल गया था मीहू के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का। इसलिए वो फटाक से डॉक्टर को वहाँ पर बुला लेती है और वो तो उसके फेरामोन से ही अट्रैक्ट होने लग गया था। तांत्रिक की टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो सब लोग उसकी खुशबू से पागल होकर उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके खुद को संभालने लग जाते हैं। जिसके बाद मीहू के ऊपर तांत्रिक कुछ जादू वादू करके उसे बेहोश कर देता है, जिससे कि उसकी टीम उसे उठाकर गाड़ी में बैठा देती है। लिन उन्हें रोकती है कि तुम उसे ऐसे नहीं लेकर जा सकती हो, क्योंकि वो तो खुद उसके ऊपर रिसर्च करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही गाड़ी में देखते हैं, वो तो वहाँ से गायब हो गई थी। जैसे ही फैंग वहाँ पर पहुँचता है ना, वो भी ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो सब लोग मिलकर उसे ढूंढ रहे होते हैं और अचानक से पार्किंग में उसे मीहू एक गाड़ी में छुपी हुई मिलती है, जो कि उसे वापस से लिन के पास लेकर आ रहा होता है। मीहू उसे रोक रही होती है, लेकिन वो तो उसकी सुनता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो लिन को डॉक्टर के साथ देखता है, वो सारा मामला समझ जाता है। गुस्से में उन्हें बोलता है कि मीहू आप लोगों की जिम्मेदारी थी, लेकिन आप लोगों ने उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा और अब वो पता नहीं कहाँ पर चली गई है। और छुपते छुपाते हुए वो मीहू को घर ले आता है, जहाँ पर गाइस एंट्री होती है एक और न्यू कैरेक्टर की, और ये एक मरमेड है, इसका नाम जून है। वो मीहू को घूर घूर कर देख रहा होता है और इसे भी मीहू को लाने के लिए यहाँ पर भेजा गया था, और इसीलिए वो मीहू पर पूरी नजर बनाए हुए रखे है।
जैसे ही रणवीर फ्रैंक से मिलने के लिए पहुंच जाता है, मीहू भी उसे वहां मिलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली वो ठीक है और फ्रैंक के साथ में ही है। साथ ही फैंग रैंक को लिन की सारी सच्चाई भी बताने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही फैंग मीहू को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है, तो वहाँ पर उसे लिंक और उसकी दोस्त भी मिल जाती है, जो की उन्हें देख लेती है, जिससे की फैंग मीहू को वहाँ से लेकर फटाक से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार को मीहू की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है और वो मोटू को पोर्टल के थ्रू बोल रहा होता है कि वो मीहू की सारी पावर्स को छीन लेगा, और ये बात मरमेड ने भी सुन ली होती है और वो पानी में चला जाता है। वहीं देखते ही देखते मीहू भी अचानक से वीक होने लग जाती है। जैसे ही वो फिर एक पेड़ को छूती है, तो अचानक से उसे बहुत सारी पावर्स मिलने लग जाती है, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल वो भी तो एक पेड़ से ही जन्मी है ना। जिसके बाद फैंग मीहू को फोन करना सिखा रहा होता है कि आखिरकार सेल फोन को चलाते कैसे हैं। मीहू को अचानक से डाउट होने लग गया था, वो यहाँ वहाँ देखती है कि शायद उसे कोई देख रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि मरमेड ही होता है। वहीं दूसरी तरफ लिन ने भी फैंग और मीहू के बारे में जाकर सब कुछ फैंग की मॉम को बता दिया था, और वो तो नेक्स्ट डे बहुत सारे गिफ्ट लेकर ही वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसे देखते ही फैंग तो भाई गुस्से में लाल पीला हो जाता है, क्योंकि फैंग की मॉम ने किसी दूसरे आदमी के चक्कर में फैंग के डैड को तलाक देकर छोटे से फैंग को बचपन में ही छोड़ दिया था, और इसलिए वो अपनी मॉम से अब नफरत करता है और वो उन्हें माफ नहीं कर सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग फैंग मीहू को ये बोलकर अपने काम पर जा रहा होता है कि कोई भी आए तो गेट मत खोलना और मुझे फोन कर देना, जैसे कि मैंने तुम्हें सिखाया है। लेकिन जैसे ही वो जाता है ना, तो अचानक से मरमेड जून वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर मीहू तो बहुत ज्यादा डर जाती है, फटाक से फैंग को कॉल लगाने लग जाती है, और वही जून भी जबरदस्ती घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही फैंग को सब कुछ मालूम पड़ता है, वो उसे गेट ना खोलने के लिए बोलता है, जहाँ पर अचानक से लिन भी पहुँच जाती है और उसे माफी मांगते हुए उसे डिनर के लिए बुलाती है, जहाँ वो अचानक से मीहू के बारे में उसे पूछ रही होती है। फैंग बोलता है कि वो बस मेरी जिम्मेदारी है और हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट डे फैंग मीहू को शॉपिंग पर लेकर जा रहा होता है, जहाँ तांत्रिक उन्हें रास्ते में देख लेता है, जिससे कि उसे उनके घर का पता भी लग गया था। रैंग और अंकल आके उसे वहाँ से भगाने लग जाते हैं, जिसके बाद वो मीहू को कुछ सेफ्टी प्रोटेक्शन की बातें भी सिखा रहे होते हैं। वहीं डॉक्टर लिन के पास आकर मीहू को उसके हवाले करने के लिए बोलता है। लिन बोलती है कि फैन तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है और इसमें मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। मीहू घर पर बिल्कुल अकेली होती है, जहाँ जून उसके पास पहुँच जाता है। जैसे ही मीहू गेट खोलती है, उसके फेरामोन की स्मेल से जून तो उसी की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, जिसके चलते तो वो मीहू के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुँच गया था। फैंग भी अचानक से वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे आते देख जून उसे बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन फैंग ने तो ऑलरेडी ये सब कुछ देख लिया होता है और मीहू से जून के बारे में पूछ रहा होता है। गुस्से में आकर वो जून के घर पहुंच जाता है और उसे जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि भाई अपने मरमेड को भी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे मारने लग जाता है। दोनों की फाइट को देखकर मीहू रोने लग जाती है और मीहू को रोता हुआ देखकर जून रुक जाता है। फैंग को लेकर मीहू फिर घर वापस लौट आती है। जैसे ही फैंग बाथरूम में जाके अपने चोटों को देखता है, बाहर जाकर मीहू को बहुत ज्यादा डांटने लग जाता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि अगर कोई भी अनजान व्यक्ति आए तो दरवाजा मत खोलना। वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और देखते ही देखते मीहू तो उसे अचानक से ही किस कर लेती है, जिससे कि फैंग को फिर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। लेकिन होश में आते ही वो फटाक से उसे अपने से दूर हटा देता है। वही जून एक जादुई दवाई से अपनी सारी चोटें ठीक कर रहा होता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि उसी के आंसू से बनी हुई थी। क्योंकि दोस्तों शायद आपको ये बात मालूम होगी कि मरमेड के आंसू में बहुत ज्यादा पावर होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फैंग के पास एक अजीब सा मैसेज आता है। जैसे ही वहाँ पर उस लोकेशन पे पहुँचता है, वहाँ कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम होती है, जो कि उसे माफी मांग रही होती है। लेकिन फैंग को तो उनके ऊपर पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्सा था और इसलिए वो उन्हें बहुत ज्यादा सुनाता है और वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में लिंग फैन से मिलने के लिए आती है, वो भी उससे माफी मांग रही होती है, लेकिन उसकी नाराजगी तो अभी भी वैसी की वैसी ही थी। जहाँ अचानक से लिन की गाड़ी से उसकी दोस्त का बच्चा निकल कर आता है, जो कि फैंग के साथ ही रहने की जिद करने लग जाता है, जिससे कि फैंग भी उसे अपने साथ में एक दिन रहने के लिए रख लेता है, जो कि गाइस कुछ और नहीं बल्कि असल में लिन का ही प्लान होता है। क्योंकि उसने ऑलरेडी उस छोटे से बच्चे को सिखा कर मीहू की जासूसी के लिए जो भेजा हुआ था। जैसे ही वो बच्चा घर में घुसता है,
वहाँ की फोटोज लेते हुए याद करने लग जाता है कि लिन ने आखिरकार उसे क्या क्या सिखाया था। जैसे ही मीहू वहाँ पर पहुँचती है, उस बच्चे के साथ में खेल रही होती है, अचानक से वो बेहोश हो जाती है। फैंग तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। रैंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है, सब लोग उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी थी। जहाँ पर रैंग उन्हें ये आइडिया देता है कि मीहू को पेड़ों से बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है और इसलिए हमें उसे उसके पास ले जाना चाहिए, लेकिन ये बात हमें उस बच्चे से छुपानी होगी, और इसलिए वो उसे पार्क में ले जाता है। और यहाँ रैंग की गर्लफ्रेंड और फैंग दोनों ही मीहू को उस पेड़ के पास में ले जाते हैं, जिससे कि मीहू भी अचानक से चार्ज होने लग जाती है, बोले तो उसे उसकी पावर्स वापस से मिल जाती हैं। ये सब कुछ देखकर रैंग की गर्लफ्रेंड तो बहुत ज्यादा डर जाती है। चोन भी उसी समय वहाँ पर पहुँच जाता है और छुप कर मीहू को ही देख रहा होता है। मीहू अचानक से उस पेड़ से उड़ते हुए एक नई जगह पर जाकर रुक जाती है। जून वहाँ पर आकर उसे अपने साथ में चलने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन मीहू तो उसके साथ में जाती नहीं है। और देखते ही देखते वहाँ पर सब लोग पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक लड़का मीहू और फैंग की फोटोज खींच कर लिन की फ्रेंड को भेज देता है, जिसे देखते ही उन्हें फिर उसकी लोकेशन का भी मालूम हो जाता है। वो भी अपना सारा चंट दिमाग लगाती हैं और अपने प्लानिंग प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग दो फेक चोरों को फैंग के पास में भेज देती हैं। फैंग और रैंग दोनों साथ में मिलकर उन चोरों की काफी अच्छे से धुलाई करने लग जाते हैं। लिन की फ्रेंड फैंग को थैंक यू बोलकर और इसी बहाने मीहू से दोस्ती करके उसे फैंग से दूर ले जाती है। मीहू का फोन भी उसने डस्टबिन में डाल दिया होता है और उसे वहीं पर अकेला छोड़कर वापस आ जाती है। यहाँ सब लोग मीहू को ही ढूंढ रहे होते हैं, जो कि उन्हें नहीं मिल रही थी। लिन की दोस्तों ने फिर वहाँ पर उसे उल्टी लोकेशन बताकर उसे दूर भेज देती है। वहीं मीहू के पास लिन पहुँच जाती है, जिसे देखते ही मीहू तो वहाँ से भागने लग जाती है, और भागते हुए वो डॉक्टर भी उसे पकड़ लेता है। वहीं वो बच्चा जो कि अभी तक बहुत ही बड़ा शैतान था, पता नहीं वो अचानक से फरिश्ता कैसे बन जाता है, और फैंग को मीहू की एकदम राइट वाली लोकेशन भी बता देता है, जहाँ पर फैंग भी पहुँचाता है। लेकिन मीहू तो उसे मिलती ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो उसे ऑलरेडी एक मुक्का मारकर बेहोशी की हालत में वहाँ से ले जा चुका था। जहाँ दोस्तों फिर से एंट्री होती है अपने हैंडसम मरमेट की, जो कि एक स्केटबोर्ड लेकर वहाँ पर आता है और मीहू को अपने साथ में ले जाता है। डॉक्टर तांत्रिक को फोन करता है, जिससे कि तांत्रिक जून और मीहू को पकड़ लेता है। जून उसके आदमी से लड़ने लग जाता है। मीहू भी तांत्रिक के फेस पर नखून मारकर वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन अचानक से लिन वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे बेहोश करके एक सुनसान जगह पर ले जाती है और डॉक्टर को वहाँ पर बुला लेती है। मरमेट भी उसके पीछे पीछे पहुँच जाता है और उसे बेहोश करके मीहू को वहाँ से ले जाता है। सो गाइस, फिलहाल तो यहीं पर इन एपिसोड का दी एंड हो जाता है, लेकिन आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही अच्छे अच्छे टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूं, तो फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक भी कर ही देना।